1991 में भारत में आर्थिक उदारवाद का दौर शुरू हुआ। इसके बाद भारत में ढेरों बदलाव देखने को मिले। उदाहरण के लिए, उदारीकरण के पहले तक देश में सिर्फ एक टीवी चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन। एक ही घरेलू एयरलाइन थी, नाम था एयर इंडिया। उस समय देश के पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। वही मनमोहन सिंह जो आगे चलकर दो बार देश के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में उदारवादी आर्थिक नीतियों की जो भी रूपरेखा पेश की थी, उससे देश में हवाई सेवाओं का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। बैंकिंग समेत बाकी क्षेत्रों के साथ सिविल एविएशन सेक्टर को भी प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने का फैसला किया गया। इसी दौर में एक कारोबारी जो कभी एक ट्रैवल एजेंसी में क्लर्क था, उसने लंबी छलांग लगाई। नाम था नरेश गोयल। गोयल ने 1992 में जेट एयरवेज नाम की कंपनी बनाई और अगले ही साल 1993 में बतौर एयर टैक्सी ऑपरेटर सेवा शुरू कर दी। साल 1995 आते आते जेट एयरवेज एक फुल फ्लेजर्ड एयरलाइन कंपनी के तौर पर काम करने लगी। 2010 आते आते जेट एयरवेज देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई। 2007 में जेट ने सहारा एयरलाइंस का अधिग्रहण किया। साल 2012 तक जेट एयरवेज देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बनी रही। काफी समय तक जेट एयरवेज की फ्लाइट्स भारत समेत दुनिया भर के आसमानों में उड़ती थी, लेकिन वक्त ने ऐसे करवट ली कि इस एयरलाइन कंपनी के सारे प्लेन जमीन पर आ गए और 2019 में ये एयरलाइन पूरी तरह बंद हो गई। तब से लेकर अब तक जेट एयरवेज को बार बार शुरू करने की कोशिश हुई, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। जेट के डूबने के पीछे कई कारण हैं और इनमें से एक कारण है कंपनी का कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसना। जाल इतना बुरा था कि जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल अभी तक इस मुश्किल से उबर नहीं पा रहे हैं। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि नरेश गोयल और केनरा बैंक के साथ धोखाधड़ी का पूरा मामला क्या है। ये भी जानेंगे कि महीने में 300 रुपए हर महीने कमाने वाला एक व्यक्ति करोड़ों रुपए के एयरलाइंस का मालिक कैसे बना और फिर एक झटके में वो अर्श से फर्श पर कैसे आ गया। जानेंगे कि जेट एयरवेज और नरेश गोयल के बर्बाद होने की पूरी कहानी क्या है। ये भी बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ जो नरेश गोयल कोर्ट में रो पड़े। गोयल ने क्यों कहा कि बेहतर होगा मैं जेल में ही मर जाऊं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिलल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। मैं जिंदगी की आस खो चुका हूं, मेरी सेहत बहुत बिगड़ गई है, इसलिए बेहतर होगा कि जेल में ही मर जाऊं। ये शब्द हैं जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल के। केनरा बैंक के साथ कथित धोखाधड़ी में फंसे नरेश गोयल हाल ही में मुंबई के स्पेशल कोर्ट में पेश हुए थे। गोयल ने आगे कहा कि मुझे अपनी पत्नी अनीता की कमी बहुत खलती है, वो कैंसर के लास्ट स्टेज में है। ये कहने के साथ ही नरेश गोयल ने हाथ जोड़ लिए। नरेश गोयल इस स्थिति में पहुंचे कैसे, ये जानने से पहले समझते हैं कि केनरा बैंक फ्रॉड के साथ उनका नाम क्यों जुड़ा है। दरअसल नरेश गोयल पर केनरा बैंक के साथ 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में पिछले साल 1 सितंबर को नरेश गोयल को गिरफ्तार किया था। वो अभी भी न्यायिक हिरासत में है। केनरा बैंक ने जेट एयरवेज को करीबन 849 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसमें से तकरीबन 538 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। ये अकाउंट 29 जुलाई 2021 में फ्रॉड घोषित किया गया। केनरा बैंक ने आरोप लगाया था कि जेट एयरवेज की फॉरेंसिक ऑडिट में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। उसमें पाया गया था कि कंपनी ने अपने से जुड़ी कंपनियों यानी रिलेटेड कंपनियों को करीबन 1410 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। ऐसा कंपनी के अकाउंट से पैसा निकालने के लिए किया गया। कहा गया कि गोयल परिवार के पर्सनल खर्चे जैसे कि स्टाफ की सैलरी, फोन बिल और व्हीकल एक्सपेंस सब कुछ जेट एयरवेज के खाते से ही करते थे। पूरे मामले में आगे फिर क्या हुआ जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार नरेश गोयल के बारे में जानते हैं। नरेश गोयल का जन्म 1949 में पंजाब के संगरूर में हुआ था। वो एक आभूषण व्यापारी के घर जन्मे थे। उनका बचपन काफी मुश्किलों में बीता था। उनके ऊपर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया और सिर्फ 11 साल की उम्र में उनका घर भी निराम हो चुका था, क्योंकि परिवार ऐसे मुश्किल आर्थिक संकट में फंसा था कि घर तक बेचना पड़ा। फिर वो अपने रिश्तेदार के साथ रहने लगे। 1967 में नरेश गोयल करीबन 18 साल के थे और पटियाला के विक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रहे थे। तभी जिम्मेदारियों और घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें नौकरी शुरू करनी पड़ी। उन्होंने अपने मामा सेठ चरणदास रामलाल की ईस्ट वेस्ट नाम की ट्रैवल एजेंसी में 300 रुपए महीने बतौर कैशियर काम करना शुरू किया। इस ट्रैवल एजेंसी में काम करते हुए नरेश गोयल 1967 से 74 तक कई विदेशी एयरलाइनों के साथ जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने ट्रैवल बिजनेस की बारीकियों को समझा। कारोबार के सिलसिले में खूब विदेशी यात्राएं भी की। साल 1969 में इराकी एयरवेज ने नरेश गोयल को अपना जनसंपर्क प्रबंधक नियुक्त किया।
1971 से 1974 तक आलिया रॉयल जॉर्डनियन एयरलाइंस के रीजनल मैनेजर के रूप में उन्होंने काम किया। गोयल ने मिडिल ईस्ट एयरलाइंस के भारतीय ऑफिसों में भी काम किया। वहां उन्होंने टिकटिंग, रिजर्वेशन और सेल समेत कई ट्रैवलिंग बिजनेस की जरूरी बातों को समझा। इसके साथ ही उन्होंने अपना कारोबार शुरू करने का भी मन बना लिया और फिर 1974 में उन्होंने अपनी माँ से करीबन 15,000 रुपए लेकर जेट एयर नाम की अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी शुरू की। जेट एयर एजेंसी एयर फ्रांस, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस और कैथे पैसिफिक जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती थी। गोयल का यह कदम मील का पत्थर साबित हुआ और उनका कारोबार चल निकला। फिर जैसे जैसे साल बदले और दशक बदले उनका कारोबार बढ़ता चला गया। 90 के शुरुआती दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने ओपन स्काई पॉलिसी को हरी झंडी दी। इस मौके को नरेश गोयल ने हाथों हाथ लिया और घरेलू ऑपरेशन के लिए एयर टैक्सी की शुरुआत कर दी। इसके बाद नरेश गोयल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एयर टैक्सी की शुरुआत के 2 साल के भीतर उनके बेड़े में 4 विमान शामिल हो चुके थे। 5 मई 1993 को जेट एयरवेज ने अपनी कमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत की। घरेलू मार्केट में जेट एयरवेज ने तेजी से अपने पैर पसारे और 2002 में इसने भारतीय एविएशन मार्केट में हिस्सेदारी के मामले में एयर इंडिया तक को पीछे छोड़ दिया। साल 2005 में एयरलाइन ने कैपिटल मार्केट में एंट्री ली और 20% हिस्सेदारी के साथ नरेश गोयल की कुल संपत्ति 8,000 करोड़ रुपए पार कर गई। इसी बीच कंपनी IPO लेकर आई और इसके बाद तो नरेश गोयल देश के सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए। फोर्ब्स ने उन्हें देश का 16वां सबसे अमीर माना। अपना कारोबार बढ़ाने के लिए गोयल ने 2006 में एयर सहारा एयरलाइन को 1450 करोड़ रुपए में खरीदा, जिसमें जेट एयरवेज को 27 विमान और 12% हिस्सेदारी के साथ कुछ इंटरनेशनल रूट्स भी मिले। लेकिन इस डील को ही जेट एयरवेज के लिए बुरे दिन की शुरुआत माना जाने लगा। हालांकि जेट की बर्बादी में ये इकलौता कारण नहीं था। जेट एयरवेज की जो हालत हुई है उसके पीछे मुख्यतः 5 वजहें बताई जाती हैं। जैसा कि बहुत से जानकार मानते हैं कि जेट एयरवेज के बुरे दिनों की शुरुआत 2006 में ही हो गई थी, जब उसने खस्ता हाल एयर सहारा को मोटी रकम नकद देकर खरीदा था। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने तब अपने सहयोगियों की राय को अनसुना कर दिया। एयर सहारा को जेट लाइट नाम दिया गया, लेकिन 2015 में ये पूरी तरह से डूब गई और इसके साथ ही जेट एयरवेज का पूरा निवेश भी डूब गया। कई विशेषज्ञों को लगता था कि नरेश गोयल ने कुछ ज्यादा ही कीमत पर एयर सहारा को खरीदा है। जेट के डूबने का दूसरा सबसे बड़ा कारण था इस एयरलाइंस को इंडिगो, स्पाइसजेट और गो एयर जैसी बेहद सफल सस्ती एयरलाइनों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जानकार ही कहते हैं कि जेट को चलाने वाले लोगों ने इन तीनों एयरलाइनों को गंभीरता से नहीं लिया। ये तीनों कंपनियां 2005-06 के बीच शुरू हुई। एक तो इन कंपनियों ने कीमतें कम रखी और दूसरे ऐसे रूटों पर सर्विस शुरू की जहां पहले हवाई यात्रा की सुविधा नहीं थी। ये कंपनियां भी कम कीमत पर हवाई टिकट बेच रही थी। गोयल ने अपने इन कॉम्पिटिटर्स को नजरअंदाज किया, लिहाजा 2012 आते आते घरेलू मार्केट शेयर में कंपनी इंडिगो से पिछड़ गई। 2013 में एतिहाद ने जेट का 24% शेयर खरीदा और नरेश गोयल के पास 51% हिस्सेदारी बची। जेट एयरवेज को बर्बाद करने की तीसरी वजह आती है नरेश गोयल की प्रबंधन का तरीका। विशेषज्ञों का कहना है कि उनके फैसले एक ऐसी टीम करती थी जिसका नेतृत्व वो खुद करते थे। जेट के सारे कामकाज का फैसला इसी टीम के हाथ में था, जो वास्तव में एक गलती थी। जेट को डुबाने में चौथा बड़ा कारण कच्चे तेल की आसमान छूती कीमत रही। भारत की सभी एयरलाइनें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली उठा पटक के प्रति काफी संवेदनशील रहती हैं, क्योंकि ज्यादातर तेल आयात होता है, बाहर से आता है। जब रुपया कमजोर होता है तो तेल का खर्चा बढ़ जाता है। एयरलाइन कंपनियों के लिए तेल का खर्च सबसे बड़ा परेशानी का सबब है। इस वजह से जेट और अधिक कर्ज में डूब गया। जेट की बर्बादी का 5वां कारण यह रहा कि कंपनी एक भी ढंग का रणनीतिक निवेशक नहीं ढूंढ सकी जो एयरलाइन में पैसा डालता रहे। नतीजतन एयरलाइन का घाटा और बढ़ गया और नवंबर 2018 तक जेट एयरवेज पर 25 अन्य बैंकों का करीबन 8,500 करोड़ रुपए का बकाया हो गया। जनवरी 2019 में एयरलाइन ने बैंकों के कर्ज चुकाने में देरी की, जिससे उसकी रेटिंग गिर गई। बुरे दौर में UAE की एतिहाद ने भी नरेश गोयल की आखिरी उम्मीद खत्म कर दी और 25 साल में आसमान की बुलंदियों को छूने वाली जेट एयरवेज आखिरकार 17 अप्रैल 2019 को बंद हो गई। जेट ने 17 अप्रैल 2019 को अमृतसर से मुंबई के लिए अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। जून 2021 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के बैंकरप्सी रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत जलान कालरॉक कंसोर्टियम ने जेट एयरवेज की बोली जीती।
इसके बाद से जेट के रिवाइवल की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक एयरलाइन शुरू नहीं हो पाई है। ये कंसोर्टियम मुरारी लाल जालान और कालरॉक कैपिटल की जॉइंट कंपनी है। जालान दुबई के एक बिजनेसमैन है, वहीं कालरॉक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंशियल एडवाइजरी और ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने वाली लंदन की एक ग्लोबल फर्म है। बता दें कि भारत में करीबन 3 दशक पहले जब से निजी एयरलाइंस ने उड़ान भरी है, तब से हर साल औसतन एक प्राइवेट एयरलाइन डूबती गई है। ताजा उदाहरण गोफर्स्ट का है, जो दिवालिया होने जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1994 के बाद से अब तक कम से कम 27 एयरलाइंस कंपनियां या तो बंद कर दी गई हैं या अन्य कंपनियों के साथ उनका विलय हो गया है। भारत में डूबने वाली पहली निजी एयरलाइन ईस्ट वेस्ट ट्रेवल्स एंड ट्रेड लिंक लिमिटेड थी, जिसने नवंबर 1996 में लगभग 2 साल बाद ही अपना कामकाज समेट लिया था। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी मेरे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम उपासना है और आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।